हेलो स्टूडेंट्स, मैं किशन खत्री, बरसिया प्राइवेट आईटीआई के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की। इसमें हमारा सब्जेक्ट होगा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, और हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अध्याय 7 में डिस्कस करने जा रहे हैं डीसी परिपथ एवं संबंधित लॉ या नियम। इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में हम देखेंगे ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओम्स लॉ में हम पढ़ेंगे सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट एंड प्रॉब्लम। इसके बाद किरचॉफ्स लॉ में हम उसके एप्लीकेशन को देखेंगे, उसमें हम सीरीज एंड पैरेलल सर्किट को भी डिस्कस करेंगे। इसमें हम बात करेंगे ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट इन सीरीज एंड पैरेलल फॉर्म में। बात करेंगे हम यहां पर लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, किस तरह के नियम होते हैं रेजिस्टेंस के या प्रतिरोध के, और वेरियस टाइप, उसके कितने तरह के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, उसके प्रिंसिपल की बात करेंगे, उसके सिद्धांत की बात करेंगे एंड उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, वो कहां कहां उपयोग में आता है। इफेक्ट ऑफ वेरिएशन टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से क्या इफेक्ट है, क्या संबंध दिखाता है वो हमें। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की भी हम यहां पर बात करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस किस तरह से लगाई जाती है। इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में विद्युत धारा की बात करते हैं। विद्युत धारा क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो विद्युत धारा आप सब जानते ही होंगे, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। कितने? दो प्रकार की। वह कौन कौन सी है? पहली होती है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, और दूसरी होती है दिष्ट विद्युत धारा या दिष्ट धारा। आप सब जानते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को हम एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट, और दिष्ट धारा को डीसी बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट करंट। हाँ, अब बात करते हैं विद्युत धारा होती क्या है। विद्युत धारा होती क्या है? विद्युत धारा किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या? विद्युत धारा क्या होती है? किसी परिपथ, देखते हैं, किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। क्या? किसी परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह, जो आवेश बह रहा है, उसकी दर कितनी मात्रा में बह रहा है उस परिपथ या उस वायर में या कोई सर्किट में, उसे ही हम उस सर्किट की विद्युत धारा कहते हैं। अब बात करते हैं, ये दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, एक दिष्ट विद्युत धारा। अब प्रत्यावर्ती विद्युत धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा क्या होती है?
सही चल रहा है? कुछ करेक्ट है? चलिए किसी परिपथ में नहीं, थोड़ा सा बदलते हैं। जो परिपथ परिपथ प्रत्यावर्ती धारा में कार्य करता है उसे एसी परिपथ या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ कहते हैं। यही बात करते हैं हम। दिस विद्युत परिपथ या दिस्ट परिपथ से हम डीसी परिपथ भी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं। ये क्या होता है? जो परिपथ दिस्ट धारा या डीसी परिपथ को इंग्लिश में सर्किट बोलते हैं। डीसी सर्किट में कार्य करता है उसे दिस धारा परिपथ या डीसी परिपथ सर्किट कहते हैं। समझ में? सब कुछ हम यहां पर देख लिए हैं। अरे, ये प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ है। क्या है? परिपथ। हाँ, ये क्या है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ या एसी परिपथ। हाँ, आगे बात करते हैं हम। चलिए हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती विद्युत धारा क्या होती है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा क्या होती है हम जानते हैं।
किसी युद्ध परिपथ में धारा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम प्रत्यावर्ती के अनुसार अगर मैं डीसी परिपथ या डीसी विद्युत धारा किसे कहते हैं या डिस्क विद्युत धारा किसे कहते हैं उसकी बात करें, जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह की डिस्क धारा कहते हैं। यहां पर प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है, आवृत्ति को 50 हर्ट्ज होती है। प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा को हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। हाँ, वो डिस्क धारा को हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, ये कभी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी और ये हरदम अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। समझ में आया? डिस्क धारा की डायरेक्शन या दिशा में परिवर्तन नहीं होता है और प्रत्यावर्ती धारा की दिशा में हर संभव परिवर्तन होता रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं विद्युत परिपथ क्या होता है। हम पढ़ने वाले हैं विद्युत परिपथ। क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक सर्किट
क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाह, प्रवाह को हम कहते हैं बहना, जिस किसी सर्किट में आवेश बह रहे हो, प्रवाह क्या, विद्युत धारा प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाह, प्रवाह के लिए तैयार किया गया एक बंद परिपथ या मार्ग। जिसमें आवेश वाहक, आवेश वाहक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन आसानी से बह सकें, उसे हम विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा परिपथ, धारा परिपथ तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, श्रेणी क्रम परिपथ, दूसरा होता है समांतर क्रम परिपथ, और तीसरा होता है इन दोनों का संयुग्मन। तीसरा क्या होता है, इन दोनों का संयुग्मन, समांतर या श्रेणी एवं समांतर क्रम परिपथ। श्रेणी क्रम परिपथ क्या होता है, श्रेणी क्रम परिपथ क्या होता है देखते हैं। एक परिपथ पोटेंशियल में मानता है, ये क्या है R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि
सर ये समांतर में रेजिस्टेंस है, आपके दिमाग में इस तरह का क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये समांतर में भी रेजिस्टेंस हमें दिख रही है। ये आई वन करंट इसमें, इस सर्किट में ही टोटल आई वन करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस तरह से ये सर्किट पैरेलल सर्किट है, ये सीरीज क्रम में नहीं है, समांतर क्रम में, या मैं कहूं सॉरी श्रेणी क्रम में नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आर वन आर सेवन के लिए समांतर क्रम में है, आर टू आर सिक्स के लिए समांतर क्रम में है, आर थ्री आर फाइव के लिए समांतर क्रम में है, जबकि ये समांतर क्रम में नहीं है। समांतर क्रम में यहां पर मैं कोई पॉइंट यहां पर करंट को या इस सर्किट को ब्रेक डाउन अगर मैं कर देता तो ये शायद समांतर क्रम में हो जाते। हाँ, शायद की कोई बात नहीं, ये समांतर क्रम में हो ही जाते। जैसे इसको मैं ए पॉइंट बोल देता, इसको बी पॉइंट बोल देता, तो ये सर्किट यहां से इसके लिए समांतर क्रम में हो जाता, पैरेलल हो जाता, पर अभी ये सारे कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। अच्छा, मैं एक वायर लेता हूं, जैसे ये वायर है, इस वायर को मैं ऐसे मोड़ दूं, ऐसे मोड़ दूं, ये लंबा वायर है, हाँ, इसमें एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, हाँ, इसमें दूसरी रेजिस्टेंस लगी हुई है, और एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और इस सर्किट को कुछ इस तरह से बना देते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये श्रेणी क्रम में है। अच्छा, ऐसा ना कर सकते हैं इसको, यहां से इसको मोड़ देते हैं, यहां से इसको जैसे ही मोड़ते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से, तो क्या आप कहेंगे कि ये समांतर में हो गए, हाँ, ये अभी भी श्रेणी क्रम में। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अभी तो ये हो सकता है श्रेणी क्रम में हो, सर आप तो अगर इस तरह से लगा दें तो अभी भी ये श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि मैंने यहां से कहीं से अलग से कोई पोटेंशियल या विभवांतर नहीं दिया है इस सर्किट में, इसलिए इस सर्किट में आर वन आर टू आर थ्री सारे ही श्रेणी क्रम में हैं। ठीक है, इस सर्किट में जो भी करंट बहेगा वो तीनों रेजिस्टेंस में समान बहेगा। हाँ, अब श्रेणी क्रम में अगर हम बात करें तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को किस तरह से निकालेंगे, तो जो हमारा आर है वो कैसा होगा, आर टोटल आर, अगर हमसे पूछा जाएगा सर इसका टोटल आर निकालिए तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव प्लस आर सिक्स, ये टोटल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहां पर समांतर क्रम परिपथ की। अब हम बात करते हैं समांतर क्रम परिपथ की। चलिए, इसकी बात कर रहे हैं हम समांतर क्रम परिपथ, पैरेलल सर्किट। ठीक है, ये कैसा होता है पैरेलल सर्किट, कैसा होता है, जैसे कोई दो रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस ये है R1 और एक रेजिस्टेंस ये है R2, हाँ, इस तरह का कोई सर्किट है, यहाँ पे मैंने विभवांतर को लगा दिया है, तो अब ये एक दूसरे के लिए समान अंतर पर है, जैसे हम इस सर्किट का क्या कहेंगे,
क्या कहेंगे, समांतर क्रम। क्यों? क्योंकि यहां से अगर मैं इसको ए बोलूं और यहां से मैं इसको बी बोलूं तो ए लटक लटक के यहां भी आ जाएगा, ए लटक लटक के यहां भी आ जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये सारे पॉइंट पर ए होगा तो ये सारे पॉइंट पर बी होगा, बी यहां भी हो सकता है, बी यहां भी हो सकता है। क्यों? ये वायर को अगर मैं यहां से यहां मोड़ कर ले आऊं तो यहां पर भी ए ही रहेगा, और इसको मोड़कर अगर मैं यहां ले आता हूं तो यहां पर भी ए रहेगा। इसी तरह से मैं इसको, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम है। हाँ, अब बात करते हैं क्या समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम की बात करते हैं। पैरेलल R3 भी दे देता हूं, R3 is equal to
7 ओम आर 4 इज इक्वल टू 8 ओम। चलते हैं, तो आपको फार्मूला पता ही है, आर 1 इज इक्वल टू क्या होगा, आर 1 प्लस आर 2, आर 1 प्लस आर 2 कितना हो गया 5 ओम प्लस 6 ओम कितना हो गया 11 ओम, ठीक है। और आर बी हम निकालते हैं तो क्या होगा, 1 अपॉन आर 3 प्लस 1 अपॉन आर 4, ठीक है, क्या होगा 1 वाई 7 प्लस 1 वाई 8, ठीक है। बी कितना होगा 15 डिवाइडेड बाय 56, ठीक है। तो ये समथिंग समथिंग आएगा हमारा 0.27 के आसपास, ठीक है, जो हमारा इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस क्या आया आर बी कितना आया 0.27 के आसपास, और हम इसमें कितना ले लेंगे 0.2 ओम, ठीक है, या 0.3 ओम भी ले सकते हैं क्योंकि 7 है ना तो 1 ऐड हो जाता है 0.3 में आया। और ये वाला कितना है हमारा, क्या ये पॉइंट सेकंड नंबर से बढ़ता है, तो ये कितना होगा 0.2 ओम, ठीक है 0.2 ओम। अब इस सर्किट हमारा किस तरह से हो गया यार, हमें आर बी भी पता चल रहा है वो कितना है 0.2 ओम, और आर ए कितना है, आर ए कितना है 11 ओम, ठीक है। अब इसी सर्किट में हम ओम्स लॉ से हमें ये पता चलेगा कि हम बी कैसे निकालेंगे, करंट आई कैसे निकालेंगे। तो पहले हम ओम्स लॉ की बात करते हैं, ओम्स लॉ हमें इन सारे कॉम्बिनेशन से रिजल्ट निकालना बताएगा, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। चलिए।